मातारी हुंकार रैली जो है, ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से बोलते हैं जय श्री राम, आसाम को दो दो पिक। ये कोई छिपा हुआ बात नहीं है, ये भगवान को नहीं छोड़ते तो जनता को कहां छोड़ेंगे, दुनिया जानता है। उन्होंने कहा है कि दिन में तो जय श्री राम और शाम को लगाते हैं दो पैक। बीजेपी के लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते तो जनता को कहां छोड़ेंगे। देखिए वीडियो वायरल हुआ था शराब के नशे में बीजेपी नेता का, इसको लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने अपना बयान दिया है। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता के बेटे का शराब पीते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके ऊपर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने तंज कसा है, बीजेपी पर हमला बोला है। बस्तर दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को बता दूं कि पिछले दिन भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं जिनका नाम है ननकी राम कंवर, उनके बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ है। उस वीडियो को शराब के नशे में बताया जा रहा है। उनके वीडियो पर छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि भाजपा के लोग दिन में जय श्री राम बोलते हैं और शाम को दो दो पैग लगाते हैं। लखमा ने कहा है कि छिपी हुई बात नहीं है, बीजेपी के लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते तो जनता को कहाँ छोड़ेंगे। बाकी आप लोग वीडियो में देख ही लिए, सुन ही लिए। लखमा ने महतारी हुंकार रैली पर भी तंज किया है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बातचीत में ये भी बताया कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, वो आदिवासियों का दर्द देखने वाले मुख्यमंत्री है। सबके दिल में भूपेश बघेल है। आरक्षण और भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत पर मंत्री ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे को लेकर उपचुनाव में जाएगी, बस्तर में आदिवासियों को बताएंगे आरक्षण की हकीकत, एक एक आदिवासी के घर जाकर पर्चा बांटेंगे, तत्कालीन सरकार की फाइलें भी दिखाएंगे ताकि आदिवासी आरक्षण पर हो रही राजनीति से वाकिफ हो सके। लखमा ने कहा आदिवासियों को 32% आरक्षण दिलवा कर रहेंगे, विधायक और अधिकारी अन्य राज्यों का दौरा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर विधानसभा सत्र तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा को आरक्षण के मुद्दे को 2011 में कोर्ट में पेश करने की क्या जरूरत थी, 2018 तक सोए थे, कांग्रेस की सरकार आई फिर कोर्ट में हमने अपना वकील नियुक्त किया है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बस्तर दर्पण के साथ।